मनु पंजाबी बिग बॉस के बारे में कुछ बोलते हुए नजर आ रहे हैं आफ्टर अभिनव शुक्ला से एविक्शन, क्या बोलते हुए नजर आ रहे हैं चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी। भाई बिग बॉस क्लियरली जानते हैं किस तरीके से उनको अपना काम भी निकलवाना है और उन पर इल्जाम भी ना आए। अब यहाँ पे मनु पंजाबी ये चीज बोलते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं हम जानते हैं क्यों बोलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बिग बॉस ने इस तरीके से काम निकलवाया है ना कि क्या बोले, और उन पर इल्जाम भी नहीं आने दिया है। उन्होंने जो चौड़ा लंबा चौड़ा भाषण दिया था शुरुआत में कि ये जनता के प्रतिनिधि हैं, न्याय संगत होगा, तर्क संगत होगा, और साथ ही आपको पूरी जर्नी देखनी है कंटेस्टेंट की, शुरू से जर्नी देखिए, ये मत देखिए कि कोई प्रॉक्सी आया है या कोई बाहर जाकर आया है, आप पूरी जर्नी देखिए किसने ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है एंड ब्ला 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 बहुत कुछ बोला था बिग बॉस ने। जिसके बाद जो है इल्जाम किस पर आ गया, कहीं ना कहीं सपोर्टर्स पे आ गया कि देखो बिंदु ने अभिनव को नॉमिनेट किया या जासमिन ने किया या जान ने किया। बिग बॉस ने जितना बड़ा ये दाव खेला है वो तो किसी ने देखा ही नहीं। तो ऐसे में मनु पंजाबी ये बोलते हुए नजर आ रहा है कि बिग बॉस इज वेरी क्लेवर, क्योंकि उनको पता है कैसे काम करवाना है और उन पर इल्जाम भी नहीं लगवाना है, फिर भी अभिनव शुक्ला को वो ट्रू जेंटलमैन बोलते हुए नजर आए यहाँ पे। खैर जो होना था वो तो हो गया है, ना ही ये पलट सकता है ना ही ये चेंज हो सकता है, क्योंकि सीजन को खत्म होने में ही 2 हफ्ते रह गए हैं। ऐसे में अब मनु पंजाबी की बात से हम लोग कितनी सहमति जता सकते हैं उसी पर डिस्कस कर लेते हैं। तो आज ये जल्दी से कमेंट सेक्शन में और बताइए मनु पंजाबी की इस बात से कितना सहमत है आप लोग, और साथ ही हमारे चैनल से जुड़े भी रहिए क्योंकि और भी कई सारी खबरें हैं जो हमें आप तक पहुंचानी है।